यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे वो 94 आज तक बारी हो फिर STT हो, सभी से संबंधित खबर हम अपने चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। पहले हम देखेंगे कि अमरिंदर सिंह का क्या कुछ जवाब आया है 94,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की चल रही है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे भी कुछ अपडेट है, इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये खबर अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है कि सातवें चरण में हाई स्कूल में 40,000 ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। तो सातवें चरण का आवेदन कहीं ना कहीं लेने की बात कही जा रही है, तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही साथ इसी महीने विज्ञापन निकालने की बात भी कही जा रही है। 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का जो विज्ञापन है इसी माह निकालने की बात भी कही जा रही है। तो गाइज दे सकते हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। वहीं मेरिट वालों को केस को लेकर भी आप दे सकते हैं गाइज, आलोक कुमार यहाँ पर दे सकते हैं कितने नंबर में लिस्टेड है ये केस लिस्ट, अब इसका सीरियल नंबर दे सकते हैं 115 पे जो है ये लिस्टेड है। तो चलिए अब खबर को विस्तार शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज देखिए, यहाँ पर सातवें चरण में हाई स्कूल में लगभग 40,000 कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो हैं ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। तो कह दिया गया है कि सातवें चरण में हाई स्कूल में कहा गया है कि 40,000 जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है कि सातवां चरण को लेकर हम बहुत लंबे अरसे से इंतजारी भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं छोटी सी खबर यहाँ पे खुशी का लहर उत्पन्न करने वाली है अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइज, कहा गया सातवें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और क्या कुछ लिखा गया है वो भी आप देख लीजिए। इसमें उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। STT 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे, वे सातवें चरण में बाकी बहाली में शामिल होंगे। तो केंद्र की तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिया जाएगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए दे सकते हैं गाइज, और कह दिया गया है कि सातवें चरण में हाई स्कूल में 40,000 ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। वहीं देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा जवाब जो है वो सामने आया है। प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक और जो हमारे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हैं, इन लोगों से ये ट्वीट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछा गया है। तो ऐसे में देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई किया है, जनवरी तक शायद। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रिप्लाई किया है कि जनवरी तक शायद जो है वो नियुक्ति पत्र का काम पूरा कर लिया जाए और नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये इनका देख सकते हैं यहाँ पर जवाब जो है वो आया हुआ है कि जनवरी में जो है वो नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। 84 इकाई के अभ्यर्थी के नियोजन में अड़ंगा है, जैसे खबर आई है। इन इकाई ने नहीं लिए प्रपत्र ख, तो देख सकते हैं गाइस प्रपत्र ख न आने की खबर आई है सामने उभर के। शिक्षक बहाली के पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में चयन होने के बाद भी 84 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों के नियोजन में अड़ंगा लगा हुआ है। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि 84 अभ्यर्थियों के नियोजन में अभी भी कहीं अड़ंगा लगा हुआ है। जटोलिया हो गया, परसोनीनाथ हो गया, फतेहा हो गया, भानपुर हो गया, कारीगावा हो गया, हरनाही हो गया, हरपुर हो गया, महमदनपुर हो गया, और देख सकते हैं गाइज महमदनपुर, बलमी, मंगूराहा, बांसकाटा घाट, बरियारपुर, दक्षिण बरियारपुर, उत्तरी इब्राहिमपुर। तो ये देख सकते हैं गाइज, ये वो स्थान है जहाँ जिन्होंने प्रपत्र ख नहीं दिया है और इन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। प्रपत्र ख का काउंसिलिंग रजिस्टर में जिसमें काउंसिलिंग संबंधी रिकॉर्ड रहता है, DO ने VEO को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इसमें किसी तरह की बाधा होती है तो सारी जवाबदेही BEO की होगी और इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज क्या है प्रपत्र ख, भी लिखा गया है प्रपत्र ख जिससे लेटर लटक सकता है नियोजन का। देख सकते हैं लिखा है कि क्या है प्रपत्र ख जिससे लेकर इसको लेकर लटक सकता है नियोजन। प्रपत्र ख के बारे में कहा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज उसी को लेकर अपडेट जो है वो आई हुई है।
शिक्षक बहाली का प्रपत्र खो यानी काउंसलिंग रजिस्टर में अंतिम मेधा सूची क्रमांक रहता है। इसके साथ ही अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, कोटि, मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण का प्रतिशत, औसत प्रतिशत, मेधा अंक, TTS, CTET का क्रमांक आदि भी रहता है। आगे देखिए, आयोग से पूछेगा शिक्षा विभाग कब गठित होगी पंचायतें। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा जाएगा, आयोग जो है वो तैयार है ये पूछने के लिए कि जो पंचायतें हैं उनका जो गठन है वो कब तक कराया जाए, किया जाएगा। तो ये सवाल भी जो है वो पूछे जाने के आसार हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है और कह दिया गया है कि भाई जो आयोग है यानी कि जो विभाग है वो कहीं ना कहीं पंचायतों से ये पूछेगा कि कब गठित होंगी पंचायतें, पूछेगा कि गठित जो हैं पंचायतें कब तक होंगी। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे स्पष्ट जो लिखा हुआ है कि प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने जा रहा है। विभाग जानना चाहता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषद का गठन कब होगा, उनकी शपथ कब तक होगी। दरअसल इस समय अवधि के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। राज्य के प्रारंभिक स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी में अब मुक्त होंगे शिक्षक। देख सकते हैं गाय, शिक्षक पे कई सारे भार थे मध्याह्न भोजन से लेकर कई सारे अपडेट थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने अपडेट कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन को लेकर अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करवाने से बंटवाने तक की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ये तमाम चीज़ें से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर बर्डन जो था वो ज़्यादा आ रहा था। शिक्षक नियोजन 84 इकाइयों ने नहीं सौंपा चयनितों के काउंसलिंग रजिस्टर का रिकॉर्ड। तो देख सकते हैं गाइस, कहीं ना कहीं प्रपत्र ख जो है कई सारे जिलों ने नहीं सौंपा है और उनके प्रति कार्रवाई की बात जो है अब कही जा रही है कि कार्रवाई की प्रक्रिया अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा भी है कि जिले में शिक्षक नियोजन के लिए 2 चरणों की हुई काउंसलिंग में नियोजन इकाइयों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। ताज़ा मामला चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग रिकॉर्ड नहीं सौंपने से जुड़ा है। जिले के 9 प्रखंडों के प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों को मिलाकर कुल 84 नियोजन इकाइयों में अब तक काउंसलिंग रजिस्टर की फोटोकॉपी नहीं मिली है। आज जमा नहीं किया तो नियोजन नहीं होगा मान्य। दे सकते हैं गाइस, ये भी लिखा गया है कि नियोजन मान्य नहीं होगा अगर ये जमा नहीं किया गया तो। तो गाइस आप देख सकते हैं कि भाई अभी तक काउंसलिंग का रजिस्टर जो है वो जमा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे प्रखंड नियोजन इकाई हैं जिन्होंने जमा नहीं किया है। आगे देखते हैं गाइस, यहाँ देख सकते हैं जिले के 204 स्कूलों में अक्षय पात्र परोसेगा गर्म भोजन। तो देख सकते हैं गाइस, इसको भी लेकर बड़ा बदलाव है। राजधानी पटना के 204 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अब अक्षय पात्रा फाउंडेशन की ओर से जो है भोजन दिया जाएगा। तो देख सकते हैं जो भोजन का कार्य है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी ने फिर से रूपरेखा तैयार कर ली है। साथ ही साथ STT केस की बात करें तो 115 नंबर पर फिर से कॉल लिस्ट जारी हुआ है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है इस वीडियो में। इतने धन्यवाद। जय हिंद।